दोस्तों अर्शदीप सिंह ने इंग्लैंड की टीम के लिए काउंटी क्रिकेट में किया डेब्यू। जहाँ पहले ही मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने किया कमाल, तो आखिरकार क्या है पूरी खबर बताएंगे आज आपको इस वीडियो में। साथ ही बताएंगे आखिरकार अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड की टीम के काउंटी क्रिकेट में कितने विकेट लिए। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप भी अर्शदीप सिंह के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही क्रिकेट की हर छोटी मोटी खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट का सीजन का आगाज 11 जून से हो चुका है, जहां अभी तक इस सीजन के कुल मिलाकर 4 महामुकाबले खेले जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों इस बार काउंटी क्रिकेट में भारतीय टीम के तेज युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने कैंट की टीम के लिए डेब्यू किया है। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह के डेब्यू मैच पर जरूर उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी अर्शदीप सिंह ने सभी का दिल जीत लिया अपने शानदार प्रदर्शन से और उनका ये डेब्यू भी काफी यादगार रहा। आपको बता दें अर्शदीप सिंह ने सरे के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। जहां आपको बता दिया जाए कि कैंट की टीम के लिए अर्शदीप सिंह ने पहली पारी में 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, तो वहीं दूसरी पारी में भी अर्शदीप सिंह ने कैंट की टीम के लिए 2 विकेट लिए, लेकिन फिर भी उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दिया जाए कि इस मुकाबले में कैंट की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 301 रनों का स्कोर बनाया, जिसके बाद कैंट की टीम ने सरे की टीम को मात्र और मात्र 145 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट कर दिया। तो वहीं उसके बाद कैंट की टीम ने अपने दूसरी पारी में 344 रन का स्कोर बनाया। लेकिन दोस्तों सरे की टीम ने 5 विकेट खोकर 501 रन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल कर लिया और इसी के साथ 5 विकेट से सरे की टीम ने मुकाबले को जीत लिया। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया और महत्वपूर्ण 4 विकेट चटकाए। वहीं दोस्तों अब अर्शदीप सिंह के इस प्रदर्शन के वजह से कहीं ना कहीं टीम इंडिया में उनकी वापसी हो सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अर्शदीप सिंह की टीम इंडिया में T20 में वापसी करवानी चाहिए या नहीं? आप इसकी राय कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा।